फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर हो रहा है 4। सर क्या हो रहा है सर? ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है सर। तो चैप्टर नंबर 1 इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है सर, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, है ना। यस, ब्लू कलर लेके कम कर लें। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं कि आज सर हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखो, आज हम लोग बेसिकली न्यू थिंग्स के बारे में जानेंगे। न्यू थिंग्स क्या है उनके बारे में जानेंगे। देखो, सबमिट्स कुछ हुए थे हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, वही सबमिट्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अच्छा आपने ये लेक्चर नंबर 4 से पहले 3, 2, 1 देख लिया है? देख लिया है तो एक दिल बना दो, हर्ट का सेप बना दो। हर्ट मतलब झोपड़ी नहीं सर, हर्ट क्या समझे, है ना। हर्ट मतलब दिल, है ना। चलो तो दिल का साइन बना लो, लाल लाल दिल बना लो, एकदम आराम से बना लो। चलो, आई होप आपने दिल बना के मुझे भेज दिया होगा। चलिए आई होप, आगे चलते हैं। अगर आपने कर लिया है इस क्लास को कंप्लीट तो प्लीज़ कमेंट में दिल बना देना। अगर नहीं किया है सर तो कमेंट में बोलना, सर देखने जा रहे हैं हम अभी तुरंत, है ना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बहुत ईजी तरीके से, और ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलो, सफलता बेस बीएससीबी का ये हमारा रूटिंग है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। सफलता बिहार बोर्ड 2024 का इंग्लिश मीडियम के लिए वीकली प्लानर। देखो सर, आज है हमारा थर्सडे, तो एसएसटी और संस्कृत में क्लास है आज, ठीक है। तो इस रूटिंग में सर आज संस्कृत की क्लास नहीं होगी, ठीक है। बहुत बहुत दुख के साथ कहने जा रहा हूँ मैं कि आज संस्कृत की क्लास नहीं होगी 7 बजे, ठीक है। 6 बजे वाले ही होगी सिर्फ, वैसे आपको पता चल ही गया होगा कम्युनिटी टैब में या फिर ऐप में सारी चीज़ें पता चल गई होगी, ठीक है। आज एसएसटी की ही क्लास होगी। बहुत बहुत सॉरी आपको, हम ये बताते हुए कह रहे हैं कि आज सिर्फ एसएसटी की क्लास होगी, संस्कृत की नहीं, तो मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को, अच्छा चलिए संस्कृत की कोई बात नहीं, संस्कृत के अधिकतर चैप्टर को हमने कवर किया है, इसलिए संस्कृत की क्लास को नहीं भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आज की क्लास को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड कर लें ऐप को सर, कहाँ से? लिंक से डाउनलोड कर ले सर, कहाँ से डाउनलोड कर ले? लिंक से, उसके बाद ओपन करके आपको बैचेस वाली सेक्शन में आना है, जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, कुछ इस तरह बनी हुई है, कुछ इस तरह बनी हुई है सेक्शन का इमेज, तो आप लोग को इसको देख लेना है सर, और इसमें आ जाना है, और आपको लेट्स स्टडी टैप करना है सफलता बैच का, और आप लोग सफलता बैच में आ चुके हैं। चलिए, तो सफलता बैच में आने के बाद आप लोग यहाँ से पढ़ाई की भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको वीडियो चल रहा है, ऐसे वीडियो ही तो देखा ही होगा आपने। अगर जो न्यू बच्चे हैं उसके लिए मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत को टाइप किया और हमने आ गए हैं संस्कृत के सिलेबस पर, ठीक है। और यहाँ पर हर चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ मिल जाएगी, क्लासेस, लिंक्स, नोट्स, डीपीपी, सारी चीज़, ठीक है। चलिए आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मटेरियल कुछ मिलेगी स्टडी के बारे में, ठीक है। हालाँकि ये लाइब्रेरी अभी बंद है, इसको अभी हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं। ये चालू होगी सर एग्ज़ाम के टाइम में। कब? एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। जब आप लोग को रिवीजन करने की बारी आएगी तब ये चालू हो जाएगी, ठीक है। एकदम फ्री तरीके से चालू होगी, कोई पैसा नहीं होगा। और यहाँ पर डाउट प्रोग्राम है, तो डाउट प्रोग्राम आप सभी जानते हैं कि 24x7 में आप लोग को 24 आवर्स में एक डाउट का सॉल्वर हमेशा मिलेगा सर, हमेशा मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट आप लोग यहां से पूछ सकते हैं ऐप को डाउनलोड करने के बाद, भाई हम यहीं से ही जवाब देंगे आपको। आपको कोई यूट्यूब पर कमेंट्स भी नहीं करना होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चले आगे बात करते हैं थिंग्स टू रिमेंबर की। देखो यार, थिंग्स टू रिमेंबर या फिर न्यू थिंग्स की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था सर, ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था सर, एक बार ध्यान दे दीजिए हम लोग पर, एक बार ध्यान दे दीजिए, एक मिनट, ठीक है। मैं जरा से एक कन्वर्सेशन कर लूँ आप पर। देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा है ना, हम आप लोग ने देखा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या देखा? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सर,
आई होप आपने देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, और ठीक है देखा होगा ना पिछले क्लासेस में, यस। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा कि अर्थ सबमिट हुआ था, है ना, अर्थ सबमिट हुआ था कहाँ पर सर, रीजेनरियो में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थे पिछले क्लासेस में, ठीक है। ये क्यू रिकैप है, ठीक है, QR जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अर्थ सबमिट रीजेनरियो में हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड अर्थ सबमिट हुआ था, यही सब के बारे में और डिटेल में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट अर्थ सबमिट में हुआ था क्या। देखो, ये हुई थी 3-14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में। इन दिस समिट अबाउट 17 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन पार्टिसिपेटेड, ठीक है। यहाँ पर 1992 में, कब, 3-14 जून को के अंदर 1992 में हमारे समिट्स के 178 रिप्रेजेंटेटिव आए थे अलग अलग कंट्री से, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप्ड हो। और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उनके बीच ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडिवर्सिटी, जिसको एजेंडा 21 एंड रियो डिक्लेरेशन कहा गया। उसके बारे में थोड़ा सी चर्चा करेंगे एजेंडा 21 में। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हो सर, एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल सेम चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है कोना में। कहाँ पर, कोना में लिखी हुई है सर, पेज नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ उसमें भी लिखी हुई है बिहार बोर्ड का सेम टू सेम यही चैप्टर वहाँ पर मिला जुला के दिया गया है, ठीक है। इन दिस ऑस्पीसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, ऑस्पीसीज का मतलब है क्या, रिजल्ट्स, है ना। इन दिस रिजल्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग UNCED कहते हैं, ए 800 पेज डिक्लरेशन अप्रूव है, 800 पेज का डिक्लेरेशन अप्रूव किया गया था, जिसको एजेंडा 21 कहा गया, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था सर, हेड ऑफ द कंट्रीज के द्वारा। अच्छा, इन रियो डी जेनेरियो समिट इन विच डू अटैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज 21 एजेंडाज वेयर एक्सेप्टेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेकेंड अर्थ सबमिट हुआ, ठीक है। क्या हुआ सेकेंड अर्थ समिट, कब हुआ सर, ये 23-27 जून को 1997 में, एट न्यूयॉर्क फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट अर्थ समिट आफ्टर 5 years, इट इज कॉल्ड प्लस 5 समिट, है ना। सेकेंड अर्थ समिट को क्या कहते हैं, प्लस 5 समिट। और ये कब हुआ था, 5 साल बाद, और 5 साल पहले 1992 में एक समिट हुआ था। क्लियर बात, क्लियर। क्यूटो समिट की बात करें सर, तो क्यूटो समिट क्या है, एक समिट है जो जापान में हुई थी दिसंबर में। कब हुई थी, जापान में 1997, वही साल में, ठीक है। टू सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग इन विच 159 नेशंस पार्टिसिपेटेड, इसमें भी 160 नेशंस पार्टिसिपेट किए थे, किसके लिए सर, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक है। इन दिस समिट एग्रीमेंट वाज रीच्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ 6 गैसेस, और यहाँ पर 6 गैसेस का क्या गया था, रिडक्शन किया गया था, ओके। चले, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग वेयर यूरोपियन, यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसेज जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर यूरोपियन ने बहुत एग्री किया था, रिड्यूस करना चाहिए हमें किसे, गैसेज को 8% कम से कम, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर, आगे चलते हैं। और यही सबमिट के बाद हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट सबमिट और ग्रीन हाउस सबमिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, इसको कह सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के बात करते हैं थर्ड अर्थ समिट, जो हमारा थिंग्स टू रिमेंबर का लास्ट टॉपिक है सर। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस के बाद बढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्या डिस्कस करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की बात करें तो सर, सब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा सर, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सर, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। बात क्लियर होगी आप लोग को एकदम। चलो देखो, तीसरा सबमिट। अच्छा, कोई कोई बच्चे लोग ने पूछा था गाइड क्या लेते हैं। अच्छा, गाइड के बारे में हम लोग एक न्यू वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग को जल्दी मिलेगी। देखो, गाइड के लिए अभी टेंशन मत लो, अभी जो तुम बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर BSCB, मुझे आई होप है कि आप लोग BSCB ही पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को मिल गया होगा बुक, वहाँ इस बुक में अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी पढ़ के प्लस 95 ला सकते हो सर SST में। SST देखो जितनी ईजी लैंग्वेज है ना, SST जितनी इजी सब्जेक्ट है उतनी सब्जेक्ट कोई नहीं है सर, वो मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा हूँ सर, है ना।
टेंथ में, और टेंथ में मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मैं टेंथ में अच्छे नंबर आए हैं। और SST पर मैंने उतना फोकस भी नहीं किया था, सबसे ज़्यादा फोकस हमने किया था ही संस्कृत में, और उसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर आए, बहुत 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 ख़राब हुआ था। ठीक है, मेरे हिसाब से SST जो है बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और मैं जैसे कि पढ़ा रहा हूँ तो आपको ईजी तो लगेगा ही ना सर, ईजी तो लगेगा ही ना सर। चलें आगे चलें, बोलो बोलो, एक दिल बना दो सर, एक दिल बना दो, हार्ट का साइन बना दो सर, लाल हार्ट का। देखो अर्थ समिट क्या है, वॉज हेल्ड फ्रॉम 26 अगस्त से 4 सितंबर, 4 सितंबर से ख़त्म हो गया था, ठीक है, 2002 में, और जोहान्सबर्ग में कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग। ओके, याद रखोगे, यस। इन दिस समिट, देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि आर्थ समिट कब हुआ था, थर्ड अर्थ समिट, तो 2007 में आपका ऑप्शन आएगा, तो आप लोग ऑप्शन को क्लिक करना है ना। इन्हें कि 92 में वन हुआ सर, 1990, एक मिनट, यहाँ पर लिखा नहीं रहा, एक मिनट, यस, 1992 में वन हुआ सर, तो 1997 में टू हुआ, हाँ, तो कब होगा, कब होगा सर, 2002 में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना सर, ऐसा, अच्छा अच्छा हाँ, यही 2002 में ही होगा है ना, अच्छा सॉरी, मुझे लगा 2007 नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, 2002 में ही, तो 5 साल आप लोग जोड़ के कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है, चलो क्लियर बात, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 2000 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे बहुत अलग अलग कंट्रीज़, ठीक है, चलो आगे चलें, आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिसोर्सिस कॉल, देखो ये सब बुक वाली क्वेश्चन है, मैं बुक वाली क्वेश्चन ही लाया हूँ, किसी के पास बुक होगी तो वो मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन को। और इतनी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं एक्स्ट्रा चैप्टर में, बहुत है सर, बहुत है। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज कॉल, अच्छा कॉल कैसा रिसोर्स है सर, तो ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है सर, क्लियर बात। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, तो ये भी रिन्यूएबल है, पूर्ण प्रतियोगिता, इसको मतलब इसको तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, क्या लिख देता है ना, हिंदी में इसको लिखा गया है पूर्ण प्रतियो, ना इसको नहीं पढ़ना है सर, इसको नहीं पढ़ना है, क्यों लिख देते हो तुम सर, अच्छा क्यों लिख देते हो सर, क्यों लिख देते हो, है ना, चलो कोई नहीं, है ना, लिख दिया, मेरे काम से आया नहीं तो मैं क्यों मतलब रखूँ। चलो आगे चलते हैं, ये एकदम क्वेश्चन एकदम इजी है ना, ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो, अप टू हाउ मेनी किलोमीटर एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखो इकोनॉमिक जोन की बात कर रही है तो हम लोग जानते हैं कि 200 NM में जो होती है वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद रोबर्ट्स इकोनॉमी क्या है, होता है रोबर्ट्स इकोनॉमी अनप्लान्ड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि चोरी, डाकू है ना, रोबर्ट मतलब क्या, डाकू का क्या होता है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, वही चीज़ है ना। चलिए, अप टू हाउ मेनी किलोमीटर है ना, ये ओशियन एरिया वाला जो है एकदम क्लियर कहानी होना चाहिए, 10.2 सबका, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले रिसोर्स की बात कर लेते हैं, देखो रिसोर्स क्या है, मैं हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा सर, ये इतना बड़ा मैं पढ़ के तुमको समझाऊं, मैं पहले ही समझा चुका हूँ सर, पूरा बुक को पढ़ा दिया मैंने, पूरा बुक का चैप्टर को पढ़ा दिया है सर, पूरा बुक्स का चैप्टर को पढ़ा दिया है, अब ये क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा क्या, जी नहीं सर, मैं डायरेक्ट तुमको बताऊंगा सर, जी हाँ डायरेक्ट बताऊंगा सर आपको, ये मैं क्यों लिख के लाया हूँ आपको लिखने के वास्ते, आप कैसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं या फिर समझ के खुद से भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे सोचेंगे क्या लिख सकते हैं सर खुद से, एकदम लिख सकते हैं सर। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स देखो वो चीज़ें जो हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, जो चीज़ हम लोग ह्यूमन यूज का क्या मतलब होता है, हम लोग के लिए यूज़ में आना चाहिए, है ना, जैसे आपके लिए यूज़ में आ रहा है मोबाइल पढ़ने के लिए, है ना, क्या आ रहा है, मोबाइल क्या यूज आ रहा है, पढ़ने के लिए सर, तो क्या हो गया, वो रिसोर्स हो गया सर आपके लिए, है ना। इस ज़िमरमैन ने क्या क्या है, जियोग्राफर ज़िमरमैन ने कहा है सर कि रिसोर्सेज जो है क्रिएट नहीं होते हैं, वो क्रिएटेड किए जाते हैं सर, रिसोर्सेज आर नॉट क्रिएटेड, दे आर क्रिएटेड, है ना, इसका क्या मतलब हुआ, रिसोर्स बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं सर, है ना, बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें,
बिटवीन पोटेंशियल एंड रिजर्व रिसोर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? जो हमारी पार्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ में आता है ना, पार्टिकुलर एरिया जहाँ पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है लेकिन हम लोग आगे फ्यूचर में यूज उसको कर सकते हैं, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स कहा गया। ठीक है, रिजर्व रिसोर्सेज को जो चीज़ रिजर्व हो चुकी है, मान लो है ना, मान लो बेसिस ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का फील्ड जो है वो रिजर्व है, तो वो क्या हो गया, रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, बात के लिए चलिए। रेट द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन का यूटिलिटी लिखना है सर आप लोग को, रिसोर्स कंजर्वेशन का यूज लिखना है। देखो इसको पढ़ देते हैं एकदम अच्छे तरीके से, बुक में जो हमने पढ़ा है बस वही चीज़ लिखा हुआ है सर कि डेवलपमेंट के लिए सिविलाइजेशन कल्चर का रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और यही इंडिस्क्रिमिनेट के लिए हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं सर। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल्स, हर अलग अलग लेवल्स में रिक्वायर्ड है किसकी सर, कंजर्वेशन की। ठीक है चलिए आगे चलें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स क्रिएशन, तो रिसोर्स क्रिएशन में टेक्नोलॉजी का रोल लिखना है। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या रोल है लेकिन सर, लेकिन यहाँ पर नेचर प्रोवाइडेड थिंग्स को एक फॉर्म ऑफ रिसोर्स बनाने में टेक्नोलॉजी जो है बहुत मदद करती है सर। एग्जाम्पल के लिए जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, फ्लावरिंग प्लांट ऑफ रिवर्स में, जनरेटिंग विंड एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग एयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में काम आती है। ठीक, बात क्लियर, बात क्लियर है तो एक हार्ट का साइन बना दे सर, झोपड़ी का नहीं सर, दिल वाली हार्ट, दिल वाली हार्ट एकदम क्लियर। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, देखो शॉर्ट क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आप लोग लिख दीजिए, क्लियर है सर, क्लियर है सर, हैशटैग क्लियर है ना, क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है चलो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट, देखो पूरे सब पूरे चीज़ समझाए सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, क्या मैं फिर से समझाता बैठू, नहीं सर ये आप लोगों को खुद से पढ़ना है। ठीक है चलो है ना, यहाँ पर कोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ यहाँ पर आते हैं, न्यू क्वेश्चन है, डिफरेंट फॉर्म्स में बात कर रहा है सर, ओनरशिप में जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में बात करना है। सबसे पहले क्या होता है सर, पर्सनल रिसोर्सेज, पर्सनल रिसोर्सेज क्या होता है, जो रिसोर्स एक ही आदमी इंडिविजुअली रिसोर्स की यूज कर रही है वो क्या हो गया पर्सनल रिसोर्स। आपके पास अगर पर्सनल फॉर्म में सिर्फ आप ही यूज करते हो तो क्या हो गया सर आपका, वो पर्सनल रिसोर्स हो गया। कम्युनिटी रिसोर्स, मान लो आपके घर में बहुत सारा मोबाइल नहीं है, एक ही मोबाइल हो, मान लो तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही फ़ोन है, क्या है सर, सिर्फ एक ही फ़ोन है ना, वो भी तुम्हारा टेलीफोन ला है, मान लो टेलीफोन ही है तुम्हारा है ना, टेलीफोन है यहाँ पर 1 2 3 नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर एक फ़ोन रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया टेलीफोन, ठीक तार वाला फोन। ठीक है तो मान लो सर ये टेलीफोन है और ये जो टेलीफोन है सर, ये टेलीफोन जो है सर आपके मम्मी मॉम डैड सब यूज करते हैं, मॉम डैड मम्मी पापा सारे लोग यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया सर, कम्युनिटी हो गया सर है ना, सारी चीज़ें लोग यूज करते हैं। ठीक है नेशनल रिसोर्सेज की बात करें, मान लो तुम्हारे पापा नेशनल लेवल पर काम करते हैं, तुम्हारे पापा जी नेशनल लेवल पर काम करते हैं और उनका फ़ोन कोई नहीं छूता है, उनका मोबाइल कोई नहीं छूता है सर, तो वो जो हो गया वो नेशनल रिसोर्सेज हो गया सर। ठीक है उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती है सर, मान लो तुम्हारी मम्मी इंटरनेशनल में काम करती है सर, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, मोबाइल इंटरनेशनल हो गया सर, भले चमका कि नहीं चमका, चमका तो लिख दो क्लियर सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सर्च रिसोर्सेज 200 NM फ्रॉम द कोस्टल लाइन। ओके चला आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास ऑन सर हमारा चैप्टर हो गया है ज्योग्राफी का ख़त्म, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर सिविक्स की, जिसको कहते हैं पावर शेयरिंग, जो NCERT के मुताबिक पावर शेयरिंग। और अगर बात करें बिहार बोर्ड के, तो बिहार बोर्ड का क्या होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। चलो बोलो कंप्लीट। अच्छा, मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं, हाँ या ना कमेंट करना,
न्यू स्टूडेंट है तो यस करना, नो ओल्ड स्टूडेंट है तो मतलब कुछ कमेंट ही नहीं करना, ठीक है। अगर न्यू स्टूडेंट तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को शेयर करना, जो भी न्यू स्टूडेंट है या फिर जिसने नहीं शेयर किया या फिर जिसने सब्सक्राइब ही नहीं किया मेरे चैनल, मेरे वीडियो को सर्च मार के देख रहे हैं सर, विलो एजुकेशन सर्च मार लिया, देख लो हड़ा दो, तो नहीं सर ऐसा नहीं करना, सब्सक्राइब करके रखना है सर, बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।